मैंने तो आपसे पहले भी कह दिया कि मैं चलने से पहले भी कह चुका था कि मैं यहाँ से अब जब ही जाऊंगा जब मुझे 5% जी मिल जाएगा और ये मेरा दृढ़ निश्चय है। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कितना जल्दी इसका हल ढूंढती है। इसके साथ साथ ही मैं देवासी बंजारा गाड़िया लोहार रेबारी भाइयों से गुजरों से सबसे अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, अब अपनी जगह रहें, कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे वायलेंस हिंसा भड़के। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। यदि कहीं कोई हिंसा भड़की तो मैं यहां से चला जाऊंगा। रोडों पर बैठे रहें, शांति से बैठे रहें। खबरदार जो गलत काम किया तो मैं कतई हिंसा या गलत कामों के पक्ष में नहीं हूं। जैसे धौलपुर में गिरफ्तारी रेल रोको आंदोलन से शुरू हुआ था, लेकिन रेल रोको आंदोलन के साथ में अब कई जगह हाईवे भी रोक दिए गए हैं। कई जगह जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी विकट कही जा सकती हैं, धीरे धीरे विकट हो रही हैं। आई हैड टोल्ड देम अर्लियर ऑन कि सब्सिक्वेंट एक्शन ऑल ओवर द प्लेसेस रोडों का जाम होना होगा, वो हो रहा है। सरकार को तुरंत प्रभाव से इसका हल ढूंढे और प्रदेश में शांति लाए। मेरे बस की नहीं होगा ये कंट्रोल करना। मैं यहाँ फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि ये आंदोलन मैंने नहीं करवाया है, ये आंदोलन जनसाधारण कर रहा है। जनसाधारण में आक्रोश है। हर बच्चा ये कह रहा है कि जब 10% केंद्र सरकार ने 7 दिन में दे दिया तो हमको 5% क्यों नहीं। ये इन सब की जन जन की आवाज है और ये जब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक हमको मिल नहीं जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का भी कुछ इस तरह का बयान आया कि राज्य सरकार इसको देना चाहती है, केंद्र सरकार इसको नहीं देना चाहती। अब ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। हम तो अनपढ़ गुजर है, हमें 5% चाहिए, चाहे 50% उससे ऊपर दो, चाहे ओबीसी में से दो, चाहे और किसी में से दो, या आंध्रा के पैटर्न पर दो, हमको दो और हम जाए। सर अभी विधानसभा चल रही है, कुछ लोगों ने वहाँ विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाया है, तो आप आरक्षण को लेकर के हनुमान बेनीवाल ने भी वहाँ पर कहा है कि इनसे वार्ता की जाए, तो आप आपके समाज के जो भी विधायक है उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज विधायकों को मैसेज देना चाहूंगा, आवाज उठाने दे। हमारे विधायकों से मेरे ये अनुरोध है कि आवाज उठाएं, वहाँ पर खुलकर बोलें, हमारा पक्ष रखें, और यदि सरकार हमारा पक्ष नहीं सुनती है तो आकर के यहाँ हमारे पास बैठ जाएं। थैंक यू।